हेलो अस्सलाम वालेकुम। नाम तो आप जानते ही होंगे, हैं? हर वीडियोस में मेरा नाम बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ, फरमान शेख, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो लास्ट टाइम मैंने एक आपको कल जो था वीडियो में शेयर किया था, वहाँ यस्टरडे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सो ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिसे ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। इसको हम स्टडी करेंगे जो कि चैप्टर 8 है, क्लास मैट्रिक सिंटैक्स बुक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा, नहीं ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ये होता है, ये मिस्टेबल है आपके पास तीन वर्ड में, ट्राई गोन मैट्रिक। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा? ट्राई का मतलब है थ्री, गोन का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल, एंड मैट्रिक मीन्स क्या होता है बेटा? स्टडी। सो थ्री एंगल स्टडी इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। सही, थ्री एंगल स्टडी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स एंगल, एंड मैट्री मीन्स स्टडी। थ्री एंगल स्टडी इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेशन सिंपल, इसकी नेम पे ही है। जो थ्री एंगल स्टडी होती है वो क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री। पर थ्री एंगल हमेशा राइट ट्राइंगल की स्टडी होती है। इसमें हम इस चैप्टर में हम इस ट्राइंगल के ही बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल के साइड्स के बारे में, ट्राइंगल्स के एंगल्स के बारे में, और ट्राइंगल्स की रेशियोज के बारे में। सिंपली ट्रिग्नोमेट्री में हम रेशियोज को पढ़ते हैं। रेशियोज क्या कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इस ट्राइंगल को एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी साइड्स को हम क्या कहते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इसकी साइड्स के बारे में, इसके एंगल्स के बारे में, और इसके रेशियोज के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ 90 डिग्री का एंगल आता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल, और एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और ये बॉक्स शो करता है कि किसका एंगल है, 90 डिग्री का एंगल। हर ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री का एंगल जरूर मिलेगा इस चैप्टर में। और 90 डिग्री एंगल के सामने जो भी लाइन होती है, इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 90 के सामने जो भी लाइन होगी उसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। ठीक है, 90 के सामने जो भी लाइन होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और फॉर एग्जाम्पल एंगल ए बी सी, सी को हमने 90 कह दिया, ए का एंगल हम फॉर एग्जाम्पल थीटा है, और बी का एंगल फॉर अल्फा। थीटा के सामने जो भी होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने उसका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंगल के सामने उसका परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचती है वो क्या होती है, बेस। बट अल्फा जो है इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने होगा। अल्फा का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने है। और बेस क्या होगी, जो दूसरी वाली परपेंडिकुलर किसका है, वो थीटा का है। थीटा का परपेंडिकुलर उसके सामने उसकी बेस ही होगी, अल्फा का परपेंडिकुलर उसके सामने उसकी बेस ये होगी। ये था ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। अब जो पढ़ देंगे हम वो है इसके रेशियोज, मेन रेशियोज। ठीक है, देयर आर सिक्स रेशियोज। ठीक है, फर्स्ट वन इज साइन थीटा, सेकेंड वन इज कॉस थीटा, थर्ड वन इज टैन थीटा। वो कहता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, आपके पास तो पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन
टू कोस थर्टी। कुछ लोग कहते हैं कि इन फार्मूलाज को याद करने के लिए आप ये लाइन याद कर लें, इस लाइन से आपको इन फार्मूलाज याद हो जाएंगे। सम एस मीन्स साइन, पीपल है, पीपल का मतलब पी से परपेंडिकुलर आता है, हैव का मतलब हाइपोटेनियस। बट मैंने जो आपको इसी तरीके बताया है इस लाइन को छोड़ के, साइन टीटा साइन जो है पागल है, ऐसे याद कर लें आप। जब भी पूछे साइन क्या है, आप कहें पागल है, पागल है मत कहें, ये मत बोलना मार्क्स कट जाएंगे गुरु में। पागल है दिमाग में सोचना, और पी से क्या आता है परपेंडिकुलर, ए से क्या आता है हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन पागल है ये तो याद रहेगा, इस छोटी सी बातें आपको याद की। अब आप ये सोचो कि सम पीपल हैव करली हैव नॉन है, ये बहुत मुश्किल है। तो सब साइन टीटा के बारे में सोचना है तो आप क्या सोचना, साइन पागल है, कॉस बावला है, ठीक है। अब ये मत बोल देना एग्जामिनर को, बोले वन कॉस थीटा, आप बोल रहे बावला, ये मत बोलना भाई, मार्क्स पास लग जाएंगे। कॉस बावला का मतलब बेस, बी से बेस आता है, हे से क्या आता है हाइपोटेनियस। कॉस बावला है याद लेने के लिए, ताकि बी का मतलब बेस, हे का मतलब हाइपोटेनियस, और टेन जो है पागल बावला, दोनों है, पागल का मतलब परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। ये तीन शब्द है आपको याद करने के तरीके, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर याद ना हो तो साइन पागल है, ई से पागल परपेंडिकुलर हिज हाइपोटेनियस, कॉस बावला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन पागल बावला दोनों है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन रेशियो आपको ऐसे याद करने हैं, बाकी तीन इसके अपने आप इन्वर्स रहेंगे। साइन का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, कॉस साइन, ठीक है, कॉस साइन थीटा। इसमें क्या होता है इन्वर्स का मतलब हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ये तो साइन का इन्वर्स कॉस है। कॉस का इन्वर्स क्या होता है साइन थीटा, पर हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा बेस नीचे आ जाएगी, और टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा, इसमें क्या होगा बेस ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। यानी कि आपने तीन याद कर लिए तो तीन अपने आप याद हो जाएंगे जो कि इसके इन्वर्स हैं। आगे का लेक्चर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि एक्सरसाइज 15.1 या 8.1 होगी, सो वी वेट फॉर इट, ओके। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे इतने नेक्स्ट चैप्टर में, ओके, अल्लाह हाफिज़।